स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल निशंक स्टडीज। तो बेटा, हमें अब क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज 2.4 है, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। और जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन वाली एक्सरसाइज है। तो कंसेप्ट इज क्वेश्चन फर्स्ट है, जो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन जो सम्स है उनके। ठीक है, आपको गिवन क्वेश्चन की क्या करना है, आंसर निकालना है। बट यहाँ ध्यान रखना है आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। व्हेनेवर वी हैव टू डिवाइड अ फ्रैक्शन, जब कभी भी फ्रैक्शन डिवाइड करना है, तो पहला रूल होता है हमेशा डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर लो, आप मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस फ्रैक्शन से, जिस भिन्न से हमें भाग देना होता है, वो फ्रैक्शन क्या होता है, रिवर्स कर दो उसके लिए, उसका उल्टा कर दो या उसका रेसिप्रोकल लिख दो वहां पर। तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3। क्लियर हुआ? अब 12 के अपॉन में कुछ नहीं है, वी विल टेक एज 1। 3 और 12 एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। 3 के टेबल में 12 आता है ना, 3 × 3, 3 × 4 = 12। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4, दैट इज 16। तो आपका आंसर कितना हो गया, 16। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए, आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो 14 है, तो 14 हम कैसा लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद डिवीजन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन में। 5/6 को उल्टा लिखेंगे, तो 6/5 हो जाएगा, और 14 के अपॉन में 1 अज्यूम करेंगे। अब देखिए, अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, ऊपर और नीचे में कोई भी किसी भी टेबल में, दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। और वो मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपका न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, और डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर में। तो यहाँ 14 और 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, और 1 और 5, 46 होता है 84 और अपॉन में 5। अब 84 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो वी विल लीव इट। ठीक है, डेसिमल में आंसर आएगा, तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हो, बिकॉज योर एनसीईआरटी बुक, इन दैट बुक द आंसर इज गिवन लाइक दिस, ऐसे ही दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए, 8/7/3 है, फिर बिल्कुल वही कंसेप्ट आप यूज करेंगे। 8/1 हो जाएगा 1 × 7/3 का हो जाएगा 3/7। अब यहाँ पर 8, 3 और 7 कोई भी किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 1 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय डेनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका 8 × 3 = 24/7, एंड इट इज योर आंसर। यहाँ पे देखते हैं 8/7/3 8/7/3। हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 से आपको डिवाइड, 4 को आपको डिवाइड करना है 8/3 से, तो हम लिखेंगे 4/1 × 3/8। यहाँ देखिए, 4 और 8 के टेबल में आते हैं ना, तो 4 से इनको क्या होगा, 4 से भाग दे देंगे यहाँ पर, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको, आप इसको पॉज करके और रेस्ट 2 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व योर ओन, आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होता है, 3/2 √1/3, तो ये हो जाएगा 3/1 × 2। देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/(3) मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे हम नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3 का 3/7, 3 × 3 = 9, अपॉन होगा 7, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिक्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 5/7 = 21, 21 + 4 कितना हुआ, 25/7। अब डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो 25/7 का हो जाएगा 7/25, 5 × 5, 5 × 5 = 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/5। चलिए बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसके पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। गिवन फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल निकालना, मींस इसका उल्टा निकालना है। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। आपका जो भी रेसिप्रोकल आएगा, तो उसको जैसे आपका दिखाया 22/7, ठीक है,
22/7 का पहले हमने निकाला रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 7/22। अब 7/22 कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है? तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अगर आपके डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, अगर ये बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये कैसा होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर। क्योंकि अगर आपके पास 22 चॉकलेट है तो आप 7 लोगों को आराम से दे सकते हो, या ठीक है 22 मार्क्स में से हम कॉपी चेक करें अगर आपकी टीचर, तो 22 मार्क्स में से 7 मार्क्स तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 8/12 है, तो इसका हो जाएगा 12/8। तो अगर 1 मार्क्स है तो उसमें से क्या हम आपको 12 मार्क्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है, है ना। या 8 अगर आपके पास क्या है, गुलाब जामुन है, तो 12 स्टूडेंट्स को आप प्रॉपरली नहीं दे पाओगे ना, सफिशियंट नहीं मिलेगा उनके लिए। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें क्या होता है, आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है किससे, न्यूमरेटर से। ऊपर वाली वैल्यू, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैसी है, अगर छोटी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और अगर डायरेक्ट आपका एक होल नंबर आ गया तो ये क्या है, होल नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है या कुछ भी नहीं है, तो इट इज द होल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा, ये होल नंबर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 3/7 रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हो जाएगा 7/3। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके 5/8 का हो जाएगा 8/5, तो फिर से कैसा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/7 7/9 सही है बिल्कुल, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/5 का हुआ 5/6, तो फिर से कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया यहाँ पर। 10/7 7/12 प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/8 सिंपली 8 आया तो आपका कौन सा नंबर हो गया, ये होल नंबर। सिमिलरली 1/11 हो जाएगा, इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा आपका, फाइंड, डिवीजन करना है आपको। तो 7/3 डिवाइडेड बाय 2, हम सीख चुके हैं कि 7/3 डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो 7 1 होगा 7 और 3 2 होगा 6, 7/6 इट इज योर आंसर। सेकेंड देखते हैं, 4/9 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये हो जाएगा 4/9 4 9 5 45, इट इज योर आंसर। थर्ड, 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7, तो 3/7 मल्टीप्लाई बाय 8/7 हम रिटर्न 7/8, 7/7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 7 7 1 7, तो हो जाएगा आपका 3/8, इट इज योर आंसर। फोर्थ देखते हैं, 2 real 1/3, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 6 1 7/3 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन हो जाएगा रिवर्स, तो 3/5 हो जाएगा 5/3, 7 5 35/3 3 9। 3 real 1/2 डिवाइडेड बाय 4, हाँ इसको अगर आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका आंसर ये भी हो सकता है, या फिर 35, देखो 35 9 से कितने टाइम जाएगा, 9 3 3 8/9 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है, आप इधर यू कैन राइट 35/9, आप ये भी लिख सकते हो और 3 real 8/9 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 टर्म इज गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन, एक टर्म मिक्स फ्रैक्शन में दी है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो राइट। अब यहाँ देखिए 3 real 1/2 डिवाइडेड बाय 4, 3 2 6 1 7/2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई
और ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 टू ज़ा सॉरी 7 बन जा हो जाएगा आपका 7/4 टू ज़ा 8 इज योर आंसर। 6/1 है 4 × 3/7 डिवाइडेड बाई 7, तो 7/4 = 28। अब आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन था तो यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 8 से छोटी है, 7 8 से छोटा है, तो डिवाइड होगा ही नहीं और भाग नहीं जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, फिर हमारा मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, जिसको हम आप डायरेक्ट लिखेंगे आंसर 4 × 3/7 7/4 = 28 28+3 30 1/7 × 7 का हो जाएगा 1/7, तो ये हो जाएगा 31/49, इट इज ऑल्सो योर आंसर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया है, इसे नोट कर लीजिए और फिर हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, फाइन तो फर्स्ट इज 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो इट इज 2/5 × 1/2 क्या हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, 2 × 2 = 4 = 5। 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गए हैं, बस ट्रिक आपने सीख ली, सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आंसर कितना हो गया आपका 2/3 आंसर हो गया। 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7, तो ये हो जाएगा 3/7 × 7/8, 7 × 7 = 1 सेम क्वेश्चन से जस्ट 3/7 × 7 यस, तो ये हो जाएगा 3/8, दिस इज व्हाट योर आंसर। फोर्थ वाला होगा 2 × 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3 × 3/5 का हो जाएगा 5/3, डिवाइडेड बाय 8/3, 3 × 2 = 6 + 1 = 7/2 × 3/8, तो ये हो जाएगा 21/16, 21/16, 5 × 2 = 10 + 1 = 11/5 × 5 + 5 + 1 = 6, 6/5 का हो जाएगा 5/6, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 11/6, दिस इज योर आंसर। आप इसे चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 से 11 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5/6, तो दोनों आंसर हो सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए तो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.4, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अगर आपको कोई डाउट है देन यू प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू।